वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 6 वन स्टैंडर्ड बस एंड अ पॉन्ड इंग्लिश लॉन्गमैन बुक का न्यू इमेजेस नेक्स्ट बुक का हम लोग सॉल्व किए हैं और हम लोग इसको आज पढ़ेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, और आपको अगर इस चैप्टर का वीडियो देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देखें। पूरा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक का सारा चैप्टर्स पढ़ाया हुआ है और क्वेश्चन आंसर्स भी किया हुआ है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। द मैन मेंशन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज वाज नॉट हैप्पी, व्हाई? पैसेज के स्टार्टिंग में एक मैन का जिक्र हुआ है, एक इंसान का जिक्र हुआ है जो कि खुश नहीं था, तो क्यों खुश नहीं था? द मैन मेंशन्ड एट द बिगिनिंग वाज नॉट हैप्पी बिकॉज ही हैड बीन देयर इन अलास्का फ्रॉम अ वीक एंड ही हैड नॉट सीन एनीथिंग और मे बी ही हैड नॉट एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग न्यू। वो एक सप्ताह से अलास्का में था और कुछ भी उसने देखा नहीं था, मतलब मे बी उसने कुछ ऐसा न्यू एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए वो सैड था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर कम अक्रॉस व्हाइल ड्राइविंग फ्रॉम एंकरेज, व्हाट डिड ही वांट टू डू? द राइटर केम अक्रॉस अ टूर बस अलोंग द शोल्डर ऑफ द हाईवे विद द इंजन वाइड ओपन विद अ स्ट्रैंडेड ग्रुप ऑफ टूरिस्ट। राइटर ने देखा कि एक बस खराब हो गया है, ब्रेकडाउन हो गया है, उसका इंजन खुला हुआ है और स्ट्रैंडेड ग्रुप जो था टूरिस्ट का, फंसा हुआ ग्रुप को उसने देखा वहाँ पे। ही वांटेड टू, क्या वो चाहता था? ही वांटेड टू इंटरव्यू द स्ट्रैंडेड ग्रुप ऑफ टूरिस्ट देयर, वो इंटरव्यू लेना चाहते थे। व्हाट वॉज द अलास्का एडवेंचर दैट द टूरिस्ट हैड पेड फॉर? द टूरिस्ट हैड बीन गिवन ब्रोशर्स एक्सप्लेनिंग वेयर दे वुड गो। टूरिस्ट को ब्रोशर्स दिया गया था जिसमें सब कुछ मेंशन था कि कहाँ पे जाना है, एंड वॉट दे वुड सी, और उन लोगों को क्या देखना है, सारा प्री प्लान था ब्रोशर में। दे रोज एट अ स्पेसिफाइड आवर, एट एट अ डेजिग्नेटेड टाइम एंड बोर्डेड अ बस दैट टुक देम ऑनवर्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। This was the Alaska adventure they had paid for. यही वो Alaska adventure था जिसके लिए उन्होंने, उन लोगों ने पैसे पे किए थे। Next question है, what was the real adventure for the tourist? Real adventure क्या हुआ? The real adventure for the tourist was the bus broke down and they wandered into the woods. बस खराब हो गया था और उन लोगों को जंगल में भटकना पड़ रहा था, घूमना पड़ रहा था, पॉन्ड के किनारे बैठे होकर बैठ करके समय बिताना पड़ रहा था। रियल एडवेंचर तो ये हो गया, जबकि प्लान कुछ और ही था। फ्रेंड्स, आप लोग अगर ये चैप्टर पढ़े नहीं हैं, थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा टफ है, तो मैंने वीडियो बनाया है, आप मैं आई बटन पे भी मेंशन कर देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप वीडियो उसको चैप्टर को जरूर पढ़िए अच्छे से, तभी आपको ये समझ में आएगा। चैप्टर थोड़ा सा टफ है। डिस्क्राइब व्हाट द राइटर सॉ एट द पॉन्ड। द राइटर सॉ बर्ड फ्लिकर्ड थ्रू द लिम्स ऑफ द स्प्रूस। स्प्रूस एक ट्री है। देयर वॉज अ बबल इन द वॉटर एट द फार एज ऑफ द पॉन्ड एंड अ बीवर वॉज सीन। बीवर मतलब उदबिलाव, एक जानवर, लीविंग अ डेंटी वी पैटर्न एज इट स्वॉम एंड अगेन इट डाइव्ड एंड डिसअपीयर्ड, यही देखा उन्होंने। नेक्स्ट A3 का क्वेश्चन स्टार्ट होता है जहाँ पे कुछ लाइन्स दिए हुए होते हैं चैप्टर से और उसके बाद उसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं। आई फॉलोड हर आईज बैक टू द पॉन्ड, ये किसने कहा था? ये राइटर ने कहा था। हु इज हर इन दिस लाइन, यहाँ पे हर जो यूज किया है, आई फॉलोड हर आईज, ये हर क्या है? तो ये एक टूरिस्ट में से एक वोमेन थी, ठीक है, जिनसे वो बात करने के लिए जैसे ही गया था तो उन्होंने शट कर दिया था, चुप करने रहने के लिए कहा था। तो वो हर जो है ये डिनोट करता है वोमेन को, वोमेन टूरिस्ट को। व्हाट डिड द स्पीकर सी व्हेन ही फॉलोड हर आईज, स्पीकर ने क्या देखा जब उनकी आईज को फॉलो किया? द स्पीकर सॉ द एक्टिविटीज ऑफ द बर्ड्स बीवर एंड स्क्विरल इन द पॉन्ड। वेयर वॉज द पॉन्ड, पॉन्ड कहाँ था? वाई वेयर दे देयर, और वो लोग जो थे वो वहाँ पे क्या कर रहे थे? द पॉन्ड वॉज इन द फॉरेस्ट। दे वेयर किसको बोला जा रहा? दे वेयर जो वहाँ पे टूरिस्ट लोग जो बैठे हुए थे उनको दे वेयर बोला जा रहा। दे वेयर
जस्ट सिटिंग एट द एज ऑफ द पॉन्ड एंड वेटिंग फॉर द बस टू बी फाइन। और वो लोग पॉन्ड के किनारे बैठे हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि ताकि बस ठीक हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस भी टाइम टू टाइम मिल जाए और आपको कुछ भी मिस ना हो। और एक सब्सक्राइब बटन करने से आपको कोई लॉस नहीं होगा फ्रेंड, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है इस चैनल में। वेट डार्क ब्राउन आईज लुक्ड और ए वे परहैप्स एस्टोनिश्ड हुज आईज आर बीइंग रेफर्ड इन दिस लाइन। बीवर्स आईज आर रेफर्ड इन दिस लाइन। यहाँ जो वेट डार्क ब्राउन आईज जो था वो किसका था? बीवर का था, उदबिलाव का था वो जानवर। व्हाई डिड द ओनर ऑफ आईज लुक एस्टोनिश्ड। तो वो जो उदबिलाव की जो आंखें थी, वो जो बीवर का जो आंखें थी, वो एस्टोनिश्ड क्यों था? उसमें चमक क्यों था? उसमें आश्चर्यचकित क्यों था? वो आश्चर्य हो गया था बिकॉज इट वॉज शॉक्ड टू सी पीपल सिटिंग लाइक स्टैचूज अराउंड द पॉन्ड। तो ये किसका था? ये इसलिए ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिख दिया, बीवर इज द ओनर, उसी की आंखों के बारे में बात हो रहा है। और बीवर जो है वो शॉक्ड हो गया था, चारों ओर पॉन्ड के चारों ओर लोग बैठे हुए थे स्टैचू की तरह, इसलिए वो बीवर शॉक्ड था। हु एल्स वॉज विद द स्पीकर, वेयर वेयर दे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा। हु एल्स वॉज विद स्पीकर, यहाँ पे स्पीकर के साथ और कौन था? तो हम लोग सोचेंगे स्पीकर के साथ और कौन था, बीवर था शायद, लेकिन बीवर उसके साथ नहीं था। यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन देख करके आपको क्लियर होगा, वेयर वेयर दे बोल रहा है। दे का मतलब ये प्लूरल को डिनोट कर रहा है, दे मतलब लोग, बहुत सारे टूरिस्ट, उसको ये डिनोट कर रहा है कि इसके साथ कौन था और स्पीकर के साथ। द टूरिस्ट वॉज विद द स्पीकर देयर, टूरिस्ट लोग थे स्पीकर के साथ। और वो लोग कहाँ बैठे हुए थे? दे वेर सिटिंग अराउंड द पॉन्ड लाइक स्टैचूज। थिंक एंड आंसर, वॉट वर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग ऑन अ टूर दैट हैज अ प्लान्ड इटिनरी। इटिनरी मतलब होता है कि जर्नी का जो प्लानिंग होता है वो पहले से किया होता है कि सुबह 8 बजे यहाँ पहुँचना है, 9 बजे यहाँ पहुँचना है, 10 बजे यहाँ पे लंच होगा, ब्रेकफास्ट होगा, फिर उसके बाद वहाँ जाना है, टी कॉफ़ी सब कुछ अरेंज्ड होता है, वो इटिनरी होता है, इटिनररी होता है जर्नी का। तो ये पर्सन टू पर्सन ये क्वेश्चन का आंसर अलग अलग हो सकता है, आप चाहें तो इसका आंसर थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि यहाँ पे पर्सनली पूछा गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गोइंग ऑन अ टूर दैट हैज़ अ प्लान्ड इटिनररी। तो आपके अनुसार इसका आंसर अलग भी हो सकता है, लेकिन मैंने लिखा है आंसर एक जनरल वे में, आप देख सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ टूर वुड यू प्रीफर, फिर आपसे पर्सनली पूछा गया कि आपको कौन सा टाइप का टूर पसंद है, प्लान्ड इटिनररी वाला या फिर विदाउट प्लान्ड। तो प्लान्ड का जो एडवांटेजेस है वो हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट में। वेयर एवरीथिंग इज प्लान्ड, जहाँ पे सब कुछ प्लान्ड होता है, वी डोंट हैव एनीथिंग टू थिंक एंड डू, वी आर रिलैक्स। जब प्लान्ड होता है सब कुछ तो हम लोगों को कुछ सोचना भी नहीं होता है, ना ही कुछ करना होता है, और हम लोग सिर्फ रिलैक्स किए हुए रहते हैं, ठीक है, ये एडवांटेज है। देन टाइम इज डिवाइडेड बिफोर हैंड, टाइम जो है वो पहले ही डिवाइड किया हुआ रहता है हर एक काम के लिए, फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन द टूर, सो इट विल सेव द टाइम। तो इससे हम लोगों का टाइम बचत होता है, समय का बचत होता है। व्हेन जर्नी इज प्लान्ड द एक्सपेंसेस, सॉरी ये यहाँ पे द होगा, द एक्सपेंसेस आर ऑल्सो फिक्स्ड एंड प्री डिफाइंड। जो भी खर्च हैं वो जर्नी का, अगर प्लान्ड जर्नी है तो वो खर्च जो है वो पहले ही डिसाइड हो जाता है, पहले ही प्री डिफाइंड हो जाता है कि भाई यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या खर्च होगा, वहाँ से वहाँ क्या खर्च होगा, सब कुछ प्री डिफाइंड होता है। तो खर्चे के लिए जो टेंशन होता है हम लोगों को, कितना खर्च होगा नहीं होगा, वो हम लोगों को टेंशन ख़त्म हो जाता है अगर हम लोग प्लान्ड जर्नी लेते हैं तो, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या, इसका बुराई क्या है? व्हेन एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, जब सब कुछ प्लान्ड होता है, ठीक है, जब कोई टूरिस्ट गाइड के थ्रू हम लोग कोई टूर लेते हैं तो वो हम लोगों को पूरा प्लान्ड इटिनररी देता है। देन वी कांट डू एनीथिंग ऑफ आवर विल और विश, फिर हम अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं अगर प्लान्ड इटिनररी लेते हैं तो, उनके मर्जी से फिर हमें चलना पड़ता है, उनके प्लान से हमें चलना पड़ता है, इटिनररी में जो फिक्स किया गया है वही फॉलो करना होता है। वी कैन नॉट विजिट अ सिंगल प्लेस ऑफ आवर विश, हम लोग एक भी जगह खुद के मर्जी से नहीं घूम सकते हैं उस इटिनररी में जितना मेंशन किया गया है प्लेसेस,
वेन्यूज वही सब हम लोग घूम सकते हैं और देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। वी कैन नॉट मॉडिफाई द इटिनररी, और एक बुराई है कि इटिनररी में हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या प्रीफर करते हैं, मेरे अनुसार आई वुड प्रीफर अ जर्नी विदाउट प्लान्ड इटिनररी। मुझे पसंद है कि मैं खुद से जाऊँ कोई टूर पे, ट्रिप पे, खुद ही गूगल सर्च करूँ, खुद ही सबका प्राइसेस चेक करूँ, खुद ही सब कुछ मैनेज कर लूँ। भले उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें मेरा पर्सनल सेटिस्फैक्शन होता है कि मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद ही सब कुछ करता हूँ। वो आपका चॉइस जो है वो आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या लेना है, प्लान्ड लेना है या फिर अनप्लान्ड लेना है, वो आप खुद से लिख सकते हैं आंसर, ठीक है। टू है, व्हाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू डिस्टर्ब एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, स्पेशली व्हेन यू आर इन नेशनल पार्क और जू वगैरह, ठीक है। तो हम लोगों को एनिमल्स को डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसका आंसर तो सिंपल ही है, हम लोग सब कुछ दे सकते हैं। जब हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब करे हमारे पर्सनल टाइम पे, हमारे घर में आकर, तो वो लोग भी जीव हैं, उनके अंदर भी जीवन है, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि उनको कोई आकर के डिस्टर्ब करे। इसका आंसर यही है, वी शुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट और एनी वेयर एल्स बिकॉज दे माइट गॉट फ्राइटेंड, वो शायद डर जाते हैं, दे माइट बी फील इनसिक्योर, वो इनसिक्योर भी फील करते हैं, वो घबरा जाते हैं जब हम लोग इंटरफेयर करते हैं उनके लाइफ में। तब एज ह्यूमन बींग्स डोंट वॉन्ट एनी इंटरफेयर इन देयर लाइफ, सिमिलरली द एनिमल्स वुड डेफिनेटली नॉट लाइक इफ वी डिस्टर्ब देयर पर्सनल लाइफ। तो उसी तरह से सिमिलरली एनिमल्स लोग भी जो हैं वो लोग भी नहीं चाहते हों, डेफिनेटली नहीं चाहते होंगे कि हम लोग उनको डिस्टर्ब करें। लेकिन आजकल सब कोई कैमरा उठाते हैं, मोबाइल उठाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं और जा करके उनको डिस्टर्ब करते हैं, बर्ड्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, बर्ड्स के नेस्ट में घोंसले में वहाँ पे कैमरा फिट करते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं क्या वीडियो बनाने के लिए। आजकल तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ये वीडियो बनाने के चक्कर में। तो इन सब से होता क्या, इन सब से वो जो जानवर हैं, वो जो एनिमल्स हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं, वो लोग बोल नहीं पाते लेकिन बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि ऐसा काम आप लोग भी ना करें, उनको डिस्टर्ब ना करें, उनको फ्री रहने दें, उनको कोई चोट ना पहुँचाएं, उनको तकलीफ भी ना दें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।